अंजीर की दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जुगाली मुझमें है और फल नहीं लाती, वो उसे काट डालता है और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। पाकलाम का पड़ाव सुना जाना हम सबके लिए वासी बरकतपूर्ण। थोड़ा सा मैं आज फादर डे के हवाले से थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताऊंगी कि इस दिन का आगाज कब हुआ। अमेरिका में एक लेडी थी, उनका नाम था स्नोरा स्मार्ट। उसकी माँ जो है वो बचपन में ही फोत हो गई। वो छह बहन भाई थे और उसके बाप ने अकेले ही उन बच्चों की तबीयत भी की, उनकी परवरिश भी की, हर तरह से उनका प्यार रखा और उनकी अच्छी तबीयत की। तो वह लड़की एक दिन सोचती है कि क्यों ना बाप की अजमत के लिए भी एक दिन मुकर किया जाए, यानी कि बाप की अजमत के लिए, उसकी मेहनतों के लिए, उसकी काविशों के लिए जो एक बाप अपनी लाड़ के लिए करता है, क्यों ना उसे एक खराज तहसीन पेश किया जाए। तो फिर वो अपने चर्च में जाती है, चर्च के लोगों से बात करती है, अपने पास्टर साहिबान से। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि एक दिन मनाया जाए जिसमें बाप की अजमत को हम याद करें, उसे सलाम करें, उसे खराज तहसीन पेश करें। तो फिर पहली दफ़ा 19 जून 1910 में ये दिन मनाया गया अमेरिका में वाशिंगटन DC में। फिर कुछ अरसे बाद जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे उन्होंने ये ऐलान किया कि ये दिन जून का जो तीसरा हफ्ता होगा, उस जो तीसरा इतवार होगा तब ये दिन मनाया जाएगा। और आज पूरी दुनिया में तकरीबन फादर डे मनाया जाता है, लेकिन एक दिन बाप के लिए नहीं होता, हर दिन बाप के साथ ही है। बाप के बगैर, माँ के बगैर हम कुछ नहीं है। हमारा आसमानी बाप है जो के बाप की अजमत भी रखता है, बाप की शक्कर भी रखता है, और वही आसमानी बाप माँ की मोहब्बत भी रखता है। ये खूबी हमारे आसमानी बाप में है कि वो माँ और बाप दोनों की खूबियाँ रखता है। आज की जो आयत है इसमें भी बयान किया गया है कि मेरा बाप बागबान है। अब एक बागबान क्या करता है? वो एक बीज लेता है, उसे मुकर्रा वक्त पे जमीन में बोता है, खर्च होता है, वक्त पे उसको पानी देता है, वक्त पे उसकी धूप छांव का ध्यान रखता है, उसमें खाद डालता है। हर तरह से एक बागबान उस पौधे को परवान चढ़ाने में पूरा ध्यान रखता है। इसी तरह हमारा जो आसमानी बाप है वो भी हमारी फिक्र करता है, वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है, वो वक्त भी जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, वो हमसे मोहब्बत भी करता है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये हमारे आसमानी बाप की हम लोगों के लिए मोहब्बत है कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। जब उसने बख्शा है तो वो हमारी मोहब्बत में उसने बख्शा है। इसी तरह वो बाप आज भी हमसे प्यार करता है, वो आज भी हमारी फिक्र करता है, वो आज भी हमें तंबीह करता है, इस कलाम के जरिए वो हमारी कान छांट भी करता है। और इसी वजह से उसने हमें ये फजल बख्शा है कि हम उसे मसीह यीशु पर ईमान लाते हुए हम उसे बाप कहते हैं, हम उसे अब्बा कहते हैं। उसने हमें शाही कानों का फिरका कहा है, उसने हमें ये मुकद्दस कौम कहा है, और ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ कि हम मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं। उस पर ईमान लाने से हम उसे बाप कहते हैं, और वही खूबियाँ एक बाप में भी पाई जाती हैं। एक बाप जो है वो हर तौर पर अपनी लाड़ का ध्यान रखता है, वो वक्त पर काम पर जाता है, वो वक्त पर उनके लिए मेहनत करता है और वक्त पर उनकी जरूरतों को पूरा करता है। तो ये एक आसमानी बाप और जमीनी बाप में एक खूबी है कि वो दोनों ही अपनी औलाद की फिक्र करते हैं, वो दोनों ही अपनी औलाद से बेतहा मोहब्बत करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह में होते हुए हम उसको बाप भी कहते हैं और वो हमारा खुदावंद है और हम उसके बच्चे हैं। और जब वो हमारी कान छांट करता है तो इसी तरह जो जमीनी बाप है उसके लिए भी खुदावंद ने एक हुक्म दिया है, हदायत दी है। अमसाल 23:14 उसकी 14 में लिखा है कि तू उसे छड़ी से मारेगा और उसकी जान को पताल से बचाएगा। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम अपने बच्चों की हर तौर पे तरबियत कर सकते हैं। अब तरबियत की छड़ी दो तरह की है, ये नहीं है कि हमने बच्चों को बहुत मारना है,
विश्व खुदा का कलाम हमें इस चीज की इजाजत दे रहा है, लेकिन एक गुफ्तगू की छड़ी है। खुदा के कलाम से हम तरबियत ले लेकर, नसीहत ले लेकर हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जब हम अपने बच्चों को तंबीह करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, तो हम उनकी जान को हलाकत से बचाते हैं। इसी तरह एक और खूबी जो हमारे आसमानी बाप और जमीनी बाप में एक जैसी है, वो ये है जबूर 103 उसकी आयत नंबर 13। जबूर 103 उसकी आयत नंबर 13 में ऐसे लिखा है, जैसे बाप अपने बेटों पर कष्ट उठाता है, वैसे ही खुदावंद उन पर जो उससे डरते हैं तरस खाता है। ये खूबी है खुदावंद की, और आसमानी बाप में भी ये खूबी पाई जाती है, और हमारे जमीनी बाप में भी ये खूबी है कि वो तरस खाता है, उसमें कंपैशन है, वो अपनी औलाद पर तरस खाता है, उसे माफ करता है। इसके लिए अगर हम देखें तो मुस्लिम बेटे की मिसाल हम सबके सामने है। वो अपने घर का छोटा बेटा था, लेकिन वो अपने बाप से कहता है कि जो कुछ मेरा बनता है वो सब कुछ मुझे दे दे, क्योंकि वो एक ताबेदार बेटा नहीं था। हालांकि खुदा का कलाम हमें ताबेदारी सिखाता है। खुदा ने जब 10 काम दिए थे, तो उसमें जो पांचवा हुक्म था, जो इंसानों से ताल्लुक रखता है, उसमें सबसे पहला हुक्म माँ बाप के लिए था। और खुदा ने कहा था कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना, और जब तू इज्जत करेगा तो मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा। ये उसने वादा किया है कि जो कोई भी अपने माँ या बाप की इज्जत करता है, खुदा उसकी उम्र को दराज करता है। और खुदावंद ने ये भी कहा है कि तू जो इज्जत करना, ये है कि आप हुक्म माने। दाऊद नबी कहता है कि हुक्म मानना कुर्बानी गुजराने से ज्यादा अफजल है। जब आप अपने बाप का हुक्म मानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसकी इज्जत करते हैं। आप खाली जुबानी कलामी इज्जत नहीं कर सकते, अपने बाप की ताबेदारी करें और उसका हुक्म भी माने। इसी तरह मुस्लिम बेटे की मिसाल है कि वो अपने बाप की ताबेदारी नहीं करता, वो अपना सब कुछ लेकर दूर दराज चला जाता है। और हम देखते हैं कि जब आपके पास माल और दौलत है, तो फिर बहुत से लोग आपके यार दोस्त भी हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि उसके पास सब कुछ खत्म, और वो मुकम्मल तौर पर मायूस हो जाता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि मुझे अपने बाप के पास वापस जाना चाहिए। और जब बुरे हालातों में होता है, जब उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, फिर वो अपने बाप के पास जाता है, और उसका बाप उसे दूर से ही देखकर उसकी तरफ दौड़े आता है। जिस तरह के हमारा आसमानी बाप, बेशक हम खता करते हैं, गुनाह करते हैं, उससे दूर जाते हैं, लेकिन खुदा आज भी अपनी बाहें खोले हमारा इंतजार कर रहा है। वो आज भी चाहता है कि हम मुड़कर उसकी तरफ आए। उसका बाप क्या करता है, उसे माफ करता है, वो उससे तरस खाता है, उसे गले लगाता है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी, जब हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, लेकिन उसने एक अच्छी बात उस रब ने ये की कि वो वापस खुदा की तरफ लौटा। अगर आज हम भी वापस उसकी तरफ लौटते हैं, उसकी तरफ जाते हैं, तो हमारा खुदा आज भी हमें माफ करने की कुदरत रखता है। वो आज भी हमें अपने गले से लगाता है, और आज भी हमें संभालता है, और फिर से वो हमें नया करने की कुदरत रखता है। जब वो आता है तो उसका बाप बहुत बड़ी ज़ियाफ़त करता है। अगर इस बाप को हम पढ़े, तो इससे पहले भी एक हवाला दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि एक आदमी है, उसकी 100 बेटे हैं, उसमें से एक घूम जाती है, लेकिन वो 99 को छोड़कर एक ही फिक्र करता है। खुदा आज भी उन बेटों और बेटियों की फिक्र करता है जो उससे दूर है। वो आज भी चाहता है कि हम वापस उसकी तरफ पलट कर आए। वो आज भी चाहता है कि हम उसके हुक्मों को माने, उससे जुड़े रहें और उससे पैवस्त रहें। फिर खुदा का कलाम एक और तरह से हमारी रहनुमाई करता है, हमें तसल्ली देता है। साम 68 उसकी 5 आयत, जबूर 68 उसकी 5 आयत में लिखा है, खुदा अपने मुकद्दस मकान में यतीमों का बाप और बेवाओं का दाद रस है। अब ऐसे हमारे भाई बहन जिनके जमीनी बाप नहीं है,
खुदा का कलाम आज उनके लिए ये तसल्ली है, इत्मीनान है कि खुदा उनका बाप है। वो खुद कह रहा है कि मैं यतीमों का बाप हूँ। तो हमें किसी भी तरह फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने भी कही है कि मैं तुम्हें हरगिज़ यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें हरगिज़ अकेला नहीं छोड़ूंगा, बल्कि जमीन के इंतहा तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो हमें इस बात की तसल्ली है कि मसीह यीशु में होते हुए हमारा आसमानी बाप जो आसमान पर तकनशी है, वो आज भी हमारी फिक्र करता है, वो आज भी हमारा बाप है, और आज भी हम उसे अबा कहकर पुकार सकते हैं। एक बाप जो होता है वो घर का रहबर है, घर की फाउंडेशन है, वो घर का लीडर है। अगर फाउंडेशन ही मजबूत ना हो तो फिर अच्छा घर नहीं बनता, घर के टूटने के चांसेस होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल का दौर जो सोशल मीडिया का दौर है, जिसमें कहीं ना कहीं इस बात को, खुदा के कलाम को जुटलाने की भी कोशिश की जा रही है कि कहा जाता है कि मर्द और औरत बराबर है, निश्चित बराबर है, जिंस के एतबार से बराबर है, लेकिन रिश्ते के एतबार से बराबर नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है कि ऐ बीवियों अपने शोरों के ताबे रहो। तो खुदावंद जब हम देखते हैं कि आदम और हवा ने गुनाह किया था, हालांकि गलती तो हवा से हुई थी, लेकिन खुदा ने उसको नहीं पुकारा था, खुदा ने सरबराह को आवाज दी, खुदा ने इसको कहा था ऐ आदम, ऐ आदम तू कहाँ है, तू कहाँ है। तो खुदा ने आदम को पुकारा था। तो इसलिए खुदा ने जब हमें ये हुक्म दिया है कि अपने शोहर के ताबे रहो, या तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि मर्द औरत का सर है, तो सर के ताबेदारी में रहना हर औरत का, बच्चे बेटियां उन सबका फर्ज है कि अपने घर के जो आपके सरबराह हैं उनके ताबे रहे। और उस सरबराह के लिए भी ये नसीहत है कि वो इस काबिल हो अपनी ज़ात को एक अच्छा मिसाली शोहर और बाप बनाए कि उसके घर में जितने लोग हैं वो उसकी ताबेदारी करें। हालांकि कभी ऐसे भी देखने में आता है कि बाज़ बाप ऐसे हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं हम नौकरी कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हम घर दे रहे हैं, हम कपड़ा दे रहे हैं, हम खुराक दे रहे हैं, तो ये काफ़ी है। ये सब कुछ काफ़ी नहीं है। आपने अपने बच्चों के साथ वक्त भी गुजारना है, आपने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत भी करनी है। जितना वक्त आप अपने बच्चों के साथ गुजारेंगे उनकी तरबियत में और खुदा के हुक्मों के मुताबिक उनकी तरबियत करेंगे, तो फिर ही एक खुदा तर्स नस्ल पैदा होगी, और वही खुदा तर्स नस्ल आपके घर को, आपके खानदान को और खुदा यीशु मसीह के नाम को जला देगी। अभी जो ज़मीनी बाप है, हम देखेंगे कि आसमानी बाप की तरफ से उसके लिए क्या नसीहत है। इसी छः बाप उसकी चार आयत में लिखा है, इफ़सियों 6 बाप उसकी चार आयत, आए औलाद वालों तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। खुदा का कलाम जो एक मुकम्मल ज़ाता है, आपका दुनिया में जितनी कौमें हैं उनके पास जितनी भी किताबें हैं वो ज़ाता है, आप तो हैं, लेकिन ज़ाता निजात नहीं है, निजात सिर्फ मसीहों के पास है। और खुदा का कलाम हर तरह से जिंदगी के हर दौर के हर मोड़ के हर रिश्ते में खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। इस आयत में लिखा है कि ऐ औलाद वालों अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। अब नसीहत और तरबियत के लिए भी हमने खुदा के कलाम में से ही देखना है। हम ये नहीं है कि हर वक्त गुस्सा करते रहें, हर वक्त अपने बच्चों पे चिल्लाते रहें या उन्हें बुरा भला कहते रहें। हम प्यार और मोहब्बत से भी उनकी तरबियत कर सकते हैं। बाज़ बार हम गलत तरीका इख्तियार करते हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे बदिल हो जाते हैं, वो हमसे दूर जाते हैं। ऐसा नहीं करना, जहाँ डांट डपट है थोड़ा बहुत डांटे, बल्कि अच्छी नसीहत से खुदा के कलाम से उनकी तरबियत करें। इसके लिए हम देखेंगे कि दाऊद नबी ने जब उसका मरने का वक्त करीब था तो उसने अपने बेटे सुलेमान को क्या नसीहत दी। पहला सलाह थी उसका दो बाप और उसकी पहली आई।
और दाऊद के मरने के बाद दिन नज़दीक आए, सो उसने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की और कहा कि मैं उसी रास्ता जाने वाला हूँ जो सारे जहान का है, इसलिए तू मजबूत हो और मर्दानगी दिखा, और जो मूसा की शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक खुदावन अपने खुदा की हदायत को मानकर उसकी राहों पर चल और उसके आइन पर और उसके फरमानों और हुक्मों और शहादतों पर अमल कर, ताकि जो कुछ तू करे वो करे और जहां कहीं तू जाए सब में तुझे कामयाबी हो, और खुदावन अपनी उस बात को कायम रखे जो उसने मेरे हक में कही कि अगर तेरी औलाद अपने तारीख की हिफाजत करके अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मेरे हजूर रास्ते से चले तो इसराइल के तख्त पर तेरे यहाँ आदमी की कमी ना होगी। अब दाऊद ने अपने बेटे को तीन बातें सिखाई हैं। जब वो मरने लगा था तो उसने अपने बेटे को वसीयत की थी। अक्सर हम देखते हैं कि हम तो पहले तो बात है हम अपने बच्चे को नसीहत ही नहीं करते, कुछ समझाते ही नहीं, सिखाते ही नहीं। हम कहते हैं बड़ा होगा दुनिया आपकी सलाह देगी। ऐसे नहीं होता, वो दुनिया के बच्चे नहीं है, वो आपके बच्चे हैं। खुदा ने ये नेमत ये बरकत आपको दी है, खुदा ने आपको ये जिम्मेदारी दी है कि आपने उनको संभालना है, उनकी परवरिश करनी है, उनकी तरबियत करनी है। अगर नेमत दी है तो उसको फरामोश नहीं कर सकते हैं। दाऊद नबी कहता है कि मैं तेरी इसी नेमत को फरामोश नहीं करूँगा। ये बरकत ये मेरास अगर खुदा ने आपकी जिंदगी में दी है, खुदा ने आपको बाप बनने का फजल बख्शा है, तो अपने बच्चों के लिए नसीहत करें, उन्हें वसीयत करें। और बस नसीहत क्या करता है, वो कहता है कि तू मजबूत हो। हम देखते हैं कि दाऊद बहुत मजबूत दिखता था। जब वो छोटा बच्चा ही था, जब वो एक चरवाहा था, तो जब उसकी भेड़ों को कोई शेर या रीछ ले जाता था तो वो जाकर उसके जबड़ों को फाड़ कर वो उसको निकाल लाता था। आज वक्त है कि हालात बहुत तल्ख है, मुख्तलिफ है, तरह तरह की सिचुएशन है, परेशानियां हैं, हम उन्हीं हालातों में से गुजर रहे हैं। हमें अपने बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है कि उनको मजबूत होना चाहिए, उनको हर तरह के हालात का सामना करना सिखाएं। और खुदा का कलाम हर तरह से हमारी रहनुमाई करता है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को मजबूत बनाए, कि वो छोटी छोटी परेशानियों को मुश्किलात को देख कर घबरा ना जाए, वो परेशान ना हो, बल्कि वो मजबूत दिख रहे हैं। खुदावन के में रहते हुए उनके लिए हम ये दुआ भी कर सकते हैं कि खुदावन ने हर तरह से मजबूत दिल बनाए। और फिर वो कहता है और मर्दानगी दिखा। हम देखते हैं कि जब जाति जूलियत के साथ आता है वो और बनी इसराइल की फौजों को वो ललकारता है, तो दाऊद ही जाता है, वो अपनी मर्दानगी वहां पे दिखाता है। हालांकि उसके भाई जो उससे बहुत बड़े थे, वो हर तरह के फन को जानते थे, तलवार चलाना और सब कुछ जानते थे, लेकिन दाऊद ने उनको नहीं कहा कि तुम इसके साथ जंग लड़ो, ये इसकी मर्दानगी है या खुदा उसके साथ था कि वो जाता है और जाति जूलियत को शिकस्त देता है। और तीसरी और सबसे अहम बात वो ये है कि उसने कहा है कि खुदा की हदायत को मान कर उसकी राहों पर चल और उसके आइन पर उसके फरमानों और हुक्मों और शहादतों पर अमल कर, ताकि जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए तुझे कामयाबी मिले। अब उसने उसको कामयाबी की कुंजी भी दे दी है, उसने बताया है कि तुम कामयाब कैसे हो सकते हो। आज बेशक आप बाप हैं या बेटे हैं, हर इंसान के लिए आज का ये कलाम है कि अगर हम खुदा के हुक्मों को मानते हैं, उसकी शहादतों पर यकीन रखते हैं, हम उसके आइन को अपने दिल में रखते हैं और उन राहों की तरफ चलते हैं जिसकी खुदा हदायत करता है, तो आप आज भी कामयाब हैं और आपकी औलाद भी कामयाब है, अगर आप ये सारे आइन की सारी बातें उन्हें सिखाते हैं। इस तरह से फिर हम देखते हैं कि एक बाप है जिसने अपने बेटे के लिए दुआ की है और उसकी दुआ से बहादुरी आई है। पैदाइश उसका पांच बाप निकालेंगे, पैदाइश की किताब उसका पांच बाप उसके 28 और 29 साल। और लमक 182 बरस का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम नू रखा,
और कहा कि यह हमारे हाथों की मेहनत और मशक्क़त से जो ज़मीन के सबब से है जिस पर खुदा ने लानत की है हमें आराम देगा। लमक 182 वर्ष का था जब उसने ये दुआ की। जब खुदा ने उसको बेटा दिया उसने उसका नाम क्या रखा? नूह रखा। और उसने उसके लिए एक दुआ भी की थी। आज खुदा हमें औलाद देता है ना तो हम बड़े फेमस फेमस नाम हम लोग देखते हैं, इंस्टाग्राम टीवी देखते हैं, हम कहते हैं फलाना नाम रखेंगे फलाना नाम रखेंगे। या मोस्टली अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि बड़ा होके ये बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, खुदावन इसको अच्छा घर दे, खुदावन इसको अच्छी गाड़ी दे। हम मोस्टली ऐसी चीज़ों दुनियावी चीज़ों की तरफ भागते हैं और हम अपने बच्चों के नाम भी ऐसे रखते हैं। लेकिन जब भी बच्चों का नाम रखें तो इस बात को, इस कलाम को याद रखें कि उसने दुआ की और उसने ये दुआ की कि ये बच्चा हमें आराम देगा, ये हमें बहाल करेगा। आपको पता है आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने लानत भेज दी जमीन पर, तो उस वक्त भी कुछ अच्छे हालात तो नहीं होंगे, बुरे हालात ही होंगे, परेशानी है। तो उसने भी ये दुआ की कि खुदा मुझे ऐसी औलाद दे जो हमारे लिए तसल्ली, इत्मीनान, खुशी का बाइस हो। हालां उसके बाद भी और भी बेटे बेटियां पैदा होंगे लेकिन उनमें से किसी का भी इसमें जिक्र नहीं है। एक बाप ने दुआ की है, उसके बाद वो 777 वर्ष तक वो जिंदा रहा। फिर हम देखते हैं नूह ने अपनी जिंदगी में क्या किया। वो दुआ जो उस तरीके में एक बाप ने अपने बेटे के लिए की है वो पूरी दुनिया के लिए नूर कैसे बनी है। फिर हम देखते हैं कि नूह जब उसकी शादी होती है उसके तीन बेटे होते हैं, सेम हाफ और या। फिर हम देखते हैं कि खुदा चाहता है के जमीन को बर्बाद कर दे, लेकिन फिर खुदा की नजर नूह पे पड़ती है और उसने क्या लिखा है, इसकी 6:9 आयत में लिखा है, नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाने के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता था। ये उसके बाप की ही दुआ है कि वो रास्तबाज भी था और वो खुदा के साथ साथ भी चलता था और उसमें कोई ऐब भी नहीं था। उस एक इंसान की वजह से उसने अपने खानदान में 7 जानों को भी बचाया। नूह ताबेदार था तो उसके बेटे भी ताबेदार थे। जब खुदा उसको हुक्म देता है कि मैं जमीन पर तूफान लेकर आऊंगा और मैं इसको बर्बाद कर दूंगा, खुदा उसको हुक्म देता है कि तू अपने लिए कश्ती बना और वो खुदा के हुक्म की ताबेदारी करता है। वो खुदा से सवाल नहीं करता कि तूफान कब आएगा, कितने दिनों का होगा, कितना पानी आएगा। इंसान होते हुए आज खुदा का कलाम हमारे पास ही है और हम पे फर्ज है कि बिना किसी दलाइल को मांगे हुए हम सिर्फ इस कलाम की ताबेदारी करें। नूह ताबेदार था और फिर उसकी औलाद भी ताबेदार, वो सारे मिलकर कश्ती बनाते हैं और उस कश्ती में पूरा खानदान बच जाता है। और ये किस सबब से होता है, ये एक बाप की दुआ है। आज हम अपने बच्चों के नाम इब्राहिम रख देते हैं लेकिन हम ये दुआ नहीं करते कि इब्राहिम वाली बरकतें इसमें आए। हम अपने हमारे सबके नामों के साथ मसीह लगा हुआ है लेकिन हम ये नहीं कहते कि मसीह की बरकतें, मसीह की खूबियाँ भी हमारी जिंदगी में आए। हम अपने बच्चों के नाम यूसुफ तो रख लेते हैं लेकिन वो किस तरह बहाल करने वाला था, उसने किस तरह अपने भाइयों की मदद की, उसने किस तरह मौत किया, वो सारी खूबियाँ हम अपने बच्चों में नहीं चाहते। लमक की इस दुआ से हम आज ये सीखेंगे कि हम अपने बच्चों का जब नाम रखें तो हम उनके लिए दुआ भी किया करें कि ये बच्चे हमारे लिए आराम का सबब हों, ये बच्चे हमें बहाल करने वाले हों, ये बच्चे हमारे लिए शादमानी का वारिस हों। फिर एक और बाप हम देखते हैं जो बायोलॉजिकली बाप नहीं है लेकिन उसके पास एक बाप जैसा दिल है। उस दिन में वो सारी खूबियाँ हैं जो एक बाप की होती हैं। हम देखेंगे आज तक उसका 2 बाप, उसकी 7 आदमी। और उसने अपने चचा की बेटी
हदसा यानी आस्तर को पाला था, क्योंकि उसके माँ बाप ना थे और लड़की हुसैन और खूबसूरत थी। जब उसके माँ बाप मर गए तो मर्दगी ने उसे अपनी बेटी करके पाला। अब आस्तर जो है वो मर्दगी की क्या है? चाचाजाद बेटी है, चाचा की बेटी है, ठीक है। लेकिन वो उसको उसके माँ बाप ना थे, लेकिन मर्दगी उसको बाप बनकर पालता है। हम देखते हैं कि उसने आगे शादी नहीं की, हो सकते हैं उसने इस तरह से ना की हो कि वो इस बच्ची की परवरिश कर रहा है, तो वो उसने दूसरी शादी उसने शादी ही नहीं की। लेकिन उसके पास एक बाप जैसा दिल था। आगे लिखा है कि जब वो बादशाह के महल में चली जाती है तो मर्दगी वहां जा जाकर भी उसका पूछता है। और मर्दगी हर रोज हरमें सहरा के सेम के आगे फिरता था ताकि दरियाफ्त करे कि आस्तर कैसी है और उसका क्या हाल है, क्योंकि जब वो उसको ले जाते हैं तो वो बहुत परेशान होता है, बहुत सुबह आता है, वो उसकी फिक्र करता है। और वो उसने उसको अपनी बेटी की तरह पाला है, बेशक वो उसका बाप नहीं है, लेकिन उसके पास एक बाप जैसा दिल है। बेशक आज ऐसे बहुत सारे जोड़े हैं जिन्हें खुदा ने औलाद नहीं दी है, उनके पास औलाद नहीं है, लेकिन उनमें ये मोहब्बत होनी चाहिए। आप किसी के भी बच्चे लेके अडॉप्ट करके आप उस औलाद को पाल सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं अय्यूब अपने बच्चों के साथ क्या करता है। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब उसकी 5 आयत। और जब उनकी ज़ियाफ़त के दिन पूरे हो जाते तो अय्यूब उन्हें बुलवा कर पाक करता और सुबह सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुआफिक सोखती कुर्बानियाँ चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब कहता था कि शायद मेरे बेटों ने कुछ खता की हो और अपने दिल में खुदा की तकफीर की हो। अय्यूब हमेशा ऐसा ही किया करता था। अब ये है कि हम देखते हैं कि अय्यूब अपने बच्चों को पाक कैसे करता है। क्या खुदा के कलाम में लिखा है कि वो सुबह सवेरे उठकर उन सबों के शुमार के मुताबिक उस वक्त सौंपनी कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, तो वो कुर्बानी चढ़ाता था और वो कहता था कि खुदा मेरे बच्चों को पाक करे, कि हो सकता है इनसे कोई खता हुई हो या इन्होंने खुदा की कोई तकफीर की हो, कोई गलती कोई गुनाह हुआ हो। इंसान होते हुए आज हमसे भी कोई ना कोई गलती खता हो जाती है, हम कर जाते हैं, लेकिन आज हम एक बाप को भी आज भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो अपने बेटों को अपनी औलाद को पाक करे। और उसके लिए उसने कौन सी कुर्बानी चढ़ानी है? उसने खुदा की हजूरी में आना है, उसने अपने मुँह को खोलना है, उसने खुदा की तारीफ तमजीद करते हुए अपने बच्चों के लिए माफ़ी मांगनी है। खुदा यीशु मसीह का लहू जो आज भी हमें पाक करने की कुदरत रखता है, उस लहू को अपने औलाद के ऊपर मांगने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे खुदा यीशु मसीह में महफूज रहें और पाक रहें। ये भी एक बाप की दुआ है, एक बाप की अपनी औलाद के लिए फिक्र है। बेशक औलाद जो है वो खुदावन की तरफ से है, लेकिन औलाद को माँ बाप भी खुदा ही देता है। और हम देख सकते हैं कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ की ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह खुदा के कलमा की हिफाजत की थी। हालांकि यूसुफ पहले मरियम को छोड़ के जाना चाहता है, लेकिन जब खुदा से मदद मांगता है, आज हमें भी ज़रूरत है हम अपने बच्चों की तरबियत के लिए, उनकी परवरिश के लिए हम अपने खुदा से हदायत लेते रहें, खुदा से हदायत मांगे कि किस तरह से किस तौर पर हम अपने बच्चों की अच्छे से हिफाजत कर सकते हैं और किस तरह से खुदा से हम हिम्मत से मामूर होकर उनकी अच्छी तरबियत कर सकते हैं। जब यूसुफ की हदायत की खुदा ने तो वो उसे लेकर मिस्र चला गया ताकि खुदा के उस कलमा की हिफाजत कर सके जो आज तक हम सब के निजात का बाइस ठहरा है। इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा नियमतों से आजमाइश करता है। जिसके पास कुछ नहीं है ना, आपके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो खुदा ने आजमाइश भी नहीं करनी। खुदा आपको तरह तरह की नियमतें देकर आजमाता है। खुदा ने इब्राहिम को आजमाया था, पहले तो खुदा ने उसे औलाद नहीं दी तो उसकी आजमाइश नहीं की, लेकिन जब खुदा ने उसको इसहाक दिया तो फिर खुदा ने उसकी आजमाइश की।
और वो खुदा की आजमाइश पर पूरा होता था। इसी सबब से वो आज भी ईमानदारों का बाप है। जब खुदा ने उससे मांगा कि तूने अपने इकलौते बेटे को मुझे देना है, इसकी कुर्बानी करनी है, तो उसने इनकार नहीं किया। खुदा आज भी हमसे भी मांगता है। खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने अपने शागिर्दों को ये कहा था कि इस अंजील की मनादी करनी है, तुमने मेरी बादशाही को दुनिया की इंतहा तक फैलाना है। ये बात मैंने अपने लास्ट टाइम जो मैसेज दिया था उसमें भी कही थी कि अपने पहले पलों से खुदावंद की तस्दीक करें। जब उसने हुक्म दिया है कि उसकी बादशाही को फैलाना है तो ये हम सब पे फर्ज है, उसके शागिर्द नहीं है। खुदा अगर आपको औलाद देता है, आपके दो बेटे हैं, बेटियां हैं, एक है, दो है, तीन है, दस है, उनमें से किसी एक को खुदा की बादशाही के लिए वक्त करें, उससे बरकत चाहें, उससे मदद मांगे, उससे कहें कि खुदावंद तू चुन ले इसे, ताकि वो बच्चा या बच्ची जिसे मसा किया जाए वो खुदा के नाम को जलाल देने के लिए, उसकी बादशाही को फैलाने के लिए, उसके कलाम की मनादी के लिए आ गया है। हम देखते हैं पहले मुक्तों में, मतलब सुना है ऐसे कि जो बच्चा कोई इसी काम का नहीं होता था तो घर वाले कहते थे इसको बाबू बना देते हैं, इसको पादरी बना देते हैं, इसको घर भी मिल जाएगा, इसको तनख्वाह भी मिलेगी, इसको सब कुछ मिलेगा। तो अपने फलों में से जो नियमती उसने दी है उसमें से ना किस चीज़ें तो हमने निकाल के खुदा की हजूरी में नहीं दे, बल्कि आप ये दुआ करें कि वो चुन, जब वो चुनता है तो फिर वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करता है। लेकिन हमने लिखा है तो मुर्दा हड्डियों को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। जिससे आज कभी कभी हमें लगता है बच्चे हमारे छोटे होते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारी बात नहीं मानते, लेकिन जब माँ बाप दुआ करते हैं, माँ बाप उन्हें पाक करते हैं, माँ बाप उनके लिए नसीहत करते हैं, तो खुदा उन्हें चुनता भी है और खुदा उन्हें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल भी करता है। इसी तरह हम देखते हैं रसूलों के अमाल 35 बाब निकाली, रसूलों के अमाल उसका 21 बाब उसकी 8 आई। दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिपस मुबशर के घर जो उन सातों में से था उतर कर उसके साथ रहे। उसकी 4 कुंवारी बेटियां थी जो नबूवत करती थी। ये भी एक बात है, फिलिपस जो है वो मुबशर है लेकिन उसके सारे उसकी 4 बेटियां हैं और वो चारों ही नबूवत करती है। खुदा का कलाम आज उन लोगों के लिए भी है जो ये कहते हैं कि औरत कलाम नहीं सुना सकती, औरत नबूवत नहीं कर सकती, या औरत खुदा के कलाम की खिदमत नहीं कर सकती। खुदा का कलाम आज ये सिखाता है कि वो चारों बेटियां नबूवत करती थी। उस घर का माहौल कितना अच्छा, कितना रूहानी होगा कि उस घर में सब लोग खुदा की खिदमत करते हैं। तो खुदा के कलाम की खिदमत कोई भी कर सकता है, कोई बेटी, कोई बहन, भाई, बच्चे, कोई भी जिससे चाहे खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह आज हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, लोग टिकटॉक बनाते हैं, लोग यूट्यूब पे, हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग खुद भी करते हैं। तो इस तरह करके हम सब लोग तबाही की तरफ ही जा रहे हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो उनके माँ बाप से फ़ोन भरे हुए हैं, वो उनकी बात ज़्यादा सुनते हैं, उनको ज़्यादा देखते हैं। अगर आप, क्योंकि हमारे घरों का कल्चर ही ऐसा बन चुका है, यानी कि वो सेल्फी कल्चर है, फैमिली कल्चर नहीं है। एक फ़ोन उसके पास है, एक फ़ोन उसके पास है, एक फ़ोन उसके पास है। आज वक्त है कि हम अपने बच्चों का ध्यान करें। बाप जो घर का सरबराह है, जो लीडर है, खुदा ने जिसको ये इख्तियार दिया है कि उसने अपने खानदान की कफालत करनी है, अपने खानदान का ध्यान रखना है, उस बाप और माँ पे ये भी फर्ज है
कि वो खुद भी ऐसी बातों से ऐसी चीज़ों से दूर रहें और उनके अपने बच्चों का भी ध्यान, बल्कि उन्हें खुदा की बातें खुदा के कलाम को सुनाए। एक वाक्य मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, काफ़ी 4-5 साल पहले की बात है, ऐसा हमारे लाहौर में हुआ है कि जब हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं कर रखते कि हमारे बच्चे किन से मिल रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ उठ बैठ रहे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, उनकी कंपनी कैसी है, तो हम बाद में नुकसान उठाते हैं। वो बच्चा किसी स्कूल ट्यूशन पढ़ने जाता था अपनी कोचिंग लेने के लिए, और वो 9th-10th class में था वो बच्चा। कुछ टाइम बाद हमने सुना कि जो आलिम वगैरह होते हैं इनके मदरसों में, वो आते हैं उनके घर में और बच्चे से पूछा जाता है कि तुम कौन हो, क्रिश्चियन के मुसलमान, तो वो कहता है कि जी मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो बच्चा अपने माँ बाप के सामने ये कहता है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और वो इतने ज़्यादा एक रो पाता है और माँ बाप के सामने से वो बच्चे को लेकर चलता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि हम जिस तरह के कंट्री में रहते हैं जहाँ पे इस्लामी होते हो, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया है तो माँ बाप क्या कर सकते, फिर रोना ही है उनके। तो इस ऐसी बातों को सुनकर हमें दुख होता है। हमारे बच्चे, बहनें, हमारी बेटियाँ आज भी दूसरे मजाहिब में शादियाँ कर लेती हैं। ये एक दिन में तो पॉसिबल नहीं होता, एक दिन में तो नहीं कोई शादी कर सकता। हालांकि खुदा का कलाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। खुदा के कलाम में हमने सीखा है कि अपने मजहब में ही शादी करनी है। हम देखते हैं कि जब सुलेमान नबी ने बहुत सारी शादियाँ की, और जब उसने गैर कौमों में गैर मजाहिब में उसने शादियाँ की, जब उनकी सीरतों को उनकी मूर्तों को वो ले आया, वो खुद भी उनकी ही पूजा करना शुरू हो गया, तो भी खुदा ने उसको तबाह कर दिया। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को इन सोशल मीडिया से दूर रखें, हम अपने बच्चों का हर तौर पर ध्यान करें, उनकी हर तौर पर तरबियत करें। इस दिशा में खुदा ने ये हदायत की है, खुदा ने सबसे से कहा है कि तू अपने बच्चों को ये सिखाना कि तेरे बच्चे खुदा अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से वो मोहब्बत रखे, और तू उनके घरे का इसको तोप बनाना, और उनका ध्यान इस पर रहे, और वो उठते बैठते जाते सोते इस पर ध्यान रखे। और खुदा भी कहता है कि वो तेरी निशानी पर टीकों की मदद, यानी कि वो आपकी जात पर वो नक्श किए जाए, ये बात कि खुदावन हमारा खुदा एक ही है, तो अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख। और खुदा भी रुकम देता है कि अपनी औलाद के जहन नशीन कराना। अगर हम खुदा के हुक्मों को अपने बच्चों को सिखाते हैं, इस कलाम को जो ज़ाबता हयात और ज़ाबता निजात है, अगर इससे हम अपने बच्चों की को इस नूर में लेकर जाते हैं, तो हम उनकी ज़िंदगियों को हर तरह की तबाही से बचा सकते हैं। एक बाप का फ़र्ज ये नहीं है कि वो अपने बच्चों की सिर्फ जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, उनकी रूहानी खुराक का भी एक बाप ने ही ध्यान रखना है। और बेशक आप बूढ़े हो जाए, आप जितने मर्जी जवान हो जाए, माँ बाप का फ़र्ज़ है कि उम्र के हर हिस्से में वो अपने बच्चों की तबीयत करें, हर हिस्से में उनका ख्याल रखें। और एक बाप को एक मिसाली बाप होना चाहिए, वो अपने खानदान के लिए अच्छा नमूना हो। हम देखते हैं कुछ बाप हर तरह से अपने बच्चों की तबीयत नहीं करते, बच्चे खुद अपने बाप से नफरत करते हैं, बच्चे खुद अपने बाप से दूर भागते हैं। आप जैसा करेंगे, बच्चे देखने से ज़्यादा सीखते हैं बजाय इसके कि आप उन्हें समझाएं। आप जैसा करेंगे आपके बच्चे वैसा ही करेंगे। अगर आप नशा करते हैं, शराब पीते हैं, आप शराब बेचते हैं, हालांकि मसीहियों को सख्ती से मना किया गया, खुदा का कलाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, लेकिन फिर भी लोगों ने परमिट बना रहे हैं, बिजनेस करते हैं, और वही खुराक वही रिस्क वो अपने बच्चों को खिलाते हैं, तो आपके बच्चे भी वैसे होंगे। तो खुदा का कलाम ये सिखाता है कि अगर एक बाप की ज़िंदगी में ये कलाम है,
अगर एक बाप उसके हुक्मों पर अमल कर रहा है तो बेटा भी वैसे ही होगा, क्योंकि हमारा आसमानी बाप है। जब उसने अपने बेटे को भेजा तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। और आज एक बेटा भी कह सकता है कि मैं अपने बाप जैसा हूँ, क्योंकि जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा। जो माँ आप करेंगे आपके बच्चे वही करेंगे। तो आज हमें जरूरत है कि आसमानी बाप जो हमारा खुदा है उसे हम अपनी जिंदगियों में ले, जिस तरह नमक ने दुआ की कि उसका बेटा बहाली लेकर आए, आज हमें भी जरूरत है कि हम अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें कि बच्चे आपके लिए आराम, सुकून और इत्मीनान का बाइस हो। जैसे अय्यूब अपने बच्चों को पाक करता था, हमें भी जरूरत है कि हम अपने बच्चों को पाक करें। जैसे दाऊद ने अपने बेटे को नसीहत की, आज हमें भी जरूरत है हम अपने बच्चों को नसीहत करें कि वो खुदा के इस कलाम पर अमल करें जो हयात का चश्मा है, जो जिंदगी है, जो उनकी रूहानी दिशा है। आज उन्हें भी जरूरत है कि वो खुदा के इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले। जिस तरह फिलिप्स की चारों बेटियां नबूवत करती थी, हमारे भी बच्चे में से कुछ कर सकते हैं। जिस तरह अब्राहम ने अपने बेटे को खुदा को दिया, उसने खुदा से कुछ सवाल नहीं किया, उसने खुदा के हुक्म की नाफरमानी नहीं की। अगर आज हम भी खुदा के जलाल के लिए अपनी रात को देते हैं तो खुदा हमें भी बरकत देगा। सो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, एक बाप की जिम्मेदारी है कि वो एक अपने घराने को, अपनी औलाद को खुदा के हुक्मों के मुताबिक उनकी तरबियत करे और इस कलाम की रोशनी में लेकर उनको चले। और जिस तरह के स्मार्ट ने चर्च के साथ मिलकर इस दिन को मनाया था, आज भी चर्च हमें सब कुछ देता है। जब हम खुदा के घर में आते हैं तो खुदा का कलाम सुनते हैं, ये कलाम हमें जिंदगी देता है, इत्मीनान देता है, खुदा का ये कलाम हमें डिसिप्लिन देता है। चर्च ही हमें उठना, बैठना, चलना, फिरना, उसके हुक्मों पर अमल करना सिखाता है। बेशक हुकूमतें इस दिन को नहीं मनाती, लेकिन हम चर्च में रहकर आसमानी बाप की तरफ से जो जमीनी बाप है उसकी अजमत को हम खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। और खुदावन आज जितने भी बाप हैं उन सबको ये फजल बख्शे कि वो आज का दिन बल्कि हमेशा अपने बच्चों की उसके कलाम से मुताबिक अच्छी तरबियत कर सकते हैं। खुदावन आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदा का शुक्र हो इस